इस विंडोज सर्वर 2012 के वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि विंडोज सर्वर 2012 में क्या निकाल दिया है, यानी कि क्या रिमूव हो गया है। इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन आता है कि रिमूव्ड और दूसरा आता है डेप्रिकेटेड। रिमूव्ड का मतलब है कि फीचर या फंक्शनलिटी रिमूव हो चुकी है। आपको अगर आपको वो फीचर या फंक्शनलिटी यूज करनी है इन फ्यूचर, तो आपको कोई अल्टरनेट मेथड अपनाना पड़ेगा ताकि आप उस फीचर या फंक्शनलिटी को कंटिन्यू करते रहे। दूसरा आता है डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड में क्या होता है, अभी जो फीचर है जो डेप्रिकेट हो चुकी है, अभी के सिस्टम में अवेलेबल है, यानी कि करंट रिलीज में अवेलेबल है, लेकिन कोई भी अपकमिंग वर्जन में वो रिमूव हो सकता है। यानी कि अब जो 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 ऑप्शंस, यानी कि जो जो फीचर या फंक्शनलिटी डेप्रिकेट हो चुकी है, डेप्रिकेट कर दी गई है, अब आपको ये फीचर आगे आने वाले रिलीज में हो सकता है कि नहीं मिले, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको प्लानिंग करना शुरू कर देना होगा ताकि जब ये नए वर्जन में ये फीचर नहीं मिलेगा तो आप प्रिपेयर रहोगे कि भाई नेक्स्ट क्या करना है आपको। आइए तो देखते हैं मेजर कौन से फीचर्स हैं या फंक्शनलिटीज हैं जो विंडोज सर्वर 2012 में रिमूव हो गई है या डेप्रिकेट हो गई है। सर्वर कोर कंपोनेंट्स में लेते हैं हम oclist.exe। जो लोग विंडोज सर्वर 2008 यूज कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि oclist.exe टूल सर्वर कोर में इंक्लूडेड था। ये हमें प्रोवाइड करता था लिस्ट ऑफ रोल्स एंड फीचर्स जो सर्वर पे है और उसकी इंस्टॉलेशन स्टेट। अब oclist.exe विंडोज सर्वर 2012 में नहीं मिलेगा, आपको उसके बजाय dism.exe यूज करना होगा। दूसरा आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में XDDM के लिए हार्डवायर सपोर्ट रिमूव कर दिया गया है, अब XDDM ड्राइवर विंडोज सर्वर 2012 में लोड नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज से लेकर। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस में रिसोर्स ग्रुप की सपोर्ट रिमूव कर दी गई है। ADLDS जो हम ऑथेंटिकेशन स्टोर की तरह यूज करते थे, उसकी सपोर्ट रिमूव कर दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं हाइपर वी की तरफ। हाइपर वी में VM चिमनी, जिसे हम TCP ऑफलोड भी कहते हैं, रिमूव कर दिया गया है, तो अब TCP चिमनी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल नहीं होगा। नेटवर्किंग में टोकन रिंग की सपोर्ट रिमूव कर दी गई है। अब माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 7.0 के पहले वर्जन सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस कंप्यूटर में विंडोज सर्वर 2012 चल रहा है और वो कनेक्ट करता है SQL सर्वर 6.5 या उससे पहले वाले वर्जन को, वो एरर मैसेज दे देगा। अब देखते हैं विंडोज सर्वर 2012 में कौन से फीचर डेप्रिकेटेड कर दिए गए हैं। पहला आता है एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड, जो dcpromo.exe है। dcpromo.exe डेप्रिकेट कर दिया गया है विंडोज सर्वर 2012 में। अगर आप dcpromo.exe कोई पैरामीटर के बिना कमांड प्रॉम्प्ट से रन करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि डायरेक्टिंग यू टू सर्वर मैनेजर। ODBC सपोर्ट 16 और 32 बिट एप्लीकेशन और ड्राइवर्स के लिए डेप्रिकेट कर दिया गया है, अब आपको 64 बिट यूज करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हाइपर वी की तरफ। विंडोज ऑथोराइजेशन मैनेजर, जिसे हम एजमैन भी कहते हैं, डेप्रिकेट कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग से रिलेटेड। इसमें लाइन प्रिंटर डीमन प्रोटोकॉल, जो LPR और LPD कहते हैं, डेप्रिकेट कर दिया गया है। अब आपको IPP प्रोटोकॉल यूज करना होगा, यानी कि इस चीज के लिए आपको इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल यूज करना होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।